तो, कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है धीरज पालीवाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्रेंसीशन के ऊपर मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि ये डिफ्रेंसीशन इंटीग्रेशन फिजिक्स के लॉज केमिस्ट्री के फार्मूलेस स्पेशली केमिस्ट्री के फार्मूलेस कहीं लाइफ में काम नहीं आने वाले अब जनरली अगर कोई किसी को ऐसा बोलेगा वो जब सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है तो वो यही सवाल करेगा कि तो फिर पढ़ाई क्यों रहे हो तो उन्होंने ये आंसर दिया कि अब ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे दिमाग की एबिलिटी को चेक किया जाए हम कितनी चीज़ों को याद रख सकते हैं और उन याद रखी हुई चीज़ों को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम कैसे सोच सकते हैं अलग अलग तरीके जिनसे कि हम लोग सोच के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हमें ये सब कुछ पढ़ाया जाता है डेट्स इट, बाकी हमारे कहीं काम नहीं आता और फिर उस दिन के बाद मैंने इसको वैसे लिया ही नहीं मतलब कि ये रोल्स हैं ये लॉज हैं ये मैथ्स के फॉर्मूले, मैंने ऐसे लिया ही नहीं मैंने बस ऐसे देखा कि ये गेम है और इस गेम के अंदर ये कुछ चैलेंजेस हैं इनको रटना है कुछ रूल्स हैं इनको याद रख लेना है और फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें सॉल्व करना है और बस सब कुछ बहुत आसान हो चुका था बहुत ज़्यादा तो चलो डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है कैसे होता है ये सारी एक कोई बकवास है कहीं काम नहीं आता और कोई पूछता नहीं है इवन कि बोर्ड में भी वाट इज़ डिफ्रेंसीशन डिफाइन डिफ्रेंसीशन ऐसा कभी नहीं आया और अगर आ भी जाए तो ये बकवासी सी डेफिनेशन लिख ही देना ओके okay. अब इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल आता है वो आता है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल डिफ्रेंशिएशन के बारे में आपको बेशक क्लास में बताया होगा ठीक है देखो हमें एक एक्सप्रेशन दिया जाता है वो किसी भी टाइप का कुछ भी हो सकता है कचरे से कचरा भी हो सकता है हमें क्या करना है कि उसका डेरिवेटिव निकालना है अब उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली बोर्ड्स के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल रोल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और वो आपके सामने यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच डेरिवेटिव के लिए और जब नीचे माइनस एच की जगह नॉर्मल पॉजिटिव एच आ जाएगा तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये लेफ्ट हैंड डरेवेटिव ये राइट हैंड डिवेटिव तो होता क्या है हमें सोच लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन तो हमें क्या करना है कि वहाँ पे जो एक्स है ठीक है उसकी जगह ये डालना है कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एच प्लस सेवन ऐसे करके हमें एक्स की जगह पे मतलब हमें सब्टूट करनी है उसकी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर और उसे कुछ ऐसा बनाना है कि वो इस फॉमूले के जैसा दिखे ज्यादा कुछ नहीं है सिर्फ दो से तीन क्वेश्चंस करोगे तो समझ आ जाएगा ठीक है और बाकी तो वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार हो और ये रहा इन्होंने भी लास्ट में आखिरकार बताई दिया कि द मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अब देखो चेई में तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पर बोर्ड्स में प्रॉपरली इसको लिखना ताकि अच्छे से मार्क्स मिल सके ओके बोर्ड्स में ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है बहुत ज़्यादा और कई बार कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से ही सॉल्व होते हैं तो इसीलिए इसको अच्छे खासे से प्रैक्टिस करना अब वो लोग इसको प्रैक्टिस करना कैसे देखो करना कुछ नहीं है पर ऐसा मत करना कि एन सी आर टी उठा ली और फिर हो होकर okay, बस हाँ वो बहुत अच्छा तरीका है पर कुछ ऐसा करना गूगल पे जाना सर्च करना इजी क्वेश्चंस इजी वर्क इजी क्वेश्चंस ऑफ़ वर्कशीट ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव तो इससे यह होगा कि जो आपका बोंदो दिमाग का जो लेवल है उस लेवल के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे उनको कर लेना फिर वो हो जाने के बाद एन सी आर टी उसके बाद एग्जाम्पलर फिर उसके बाद आर एस से आर डी में से कुछ भी कर लेना और बस यहाँ तक अगर हो गया और सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से हो गए एंड तक आते तक तो बस ये टॉपिक कंप्लीट है फिर बस जाओ उड़ो अपनी उड़ान भरो कुछ भी करो फिर सिंगेज कर लो ब्लैक बुक कर लो पर हाँ ये इनिशियल स्टेप्स ज़रूरी है फिर कुछ भी करो अब आता है डायरे स्टैंडर्ड फंक्शंस देखो इसके अंदर देखो इस कचरे के अंदर पूरे उन्नीस फॉर्मूले हैं और उन उन्नीस फार्मूलों को बिल्कुल गोल के पी जाना है कुछ नहीं समझना कोई लॉजिक कुछ भी नहीं भाई बिना लॉजिक के फार्मूले याद कर सकते क्या प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के अंदर भी तो बिना लॉजिक के किए ही था कौन सा कॉमर्स लेनी था फिर भी किया था यहां कर लो ठीक है तो वो ही बकवास है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं पर हाँ अगर ये नहीं आते या फिर अगर इसमें कोई गलती की तो डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आता ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपको चम्मच पकड़ने नहीं आती पर आपके सामने बिरयानी रखी हुई है वो बात अलग है कि हाथ से खाओगे ठीक है वो थोड़ा जुगाड़ जुगाड़ो दिमाग हो जाता है और वही जुगाड़ो दिमाग होगा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अगर आप किसी का बोल जाते हो जैसे कि टेन इनवर्स एक्स का बोल गए या फिर लॉग एक्स का भूल गए वो तो या फिर एक्स स्क्वायर वो थोड़ा इजी हो जाता है तो अगर एक्स स्क्वायर का भूल गए तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर को फर्स्ट डेरिवेटिव रूल से उसका डेरिवेटिव निकालो वो लंबा पड़ेगा पर अब आपके पास चम्मच नहीं है तो अब हाथ से खाना पड़ेगा बाकी मेरे ओपिनियन में तो चम्मच का यूज़ करो ठीक है अब देखो ये सब कुछ है ना कोई बकवास है किसी का कोई मतलब नहीं है मैं कोई बकवास यहाँ पे करने नहीं आया हूँ क्योंकि बकवास आप लोग पहले से जानते हो अब बात आ जाती है थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव हा यार मस्त कलर हो गया थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव अब देखो इसके अंदर पता नहीं इन्होंने कौन सी थ्योरम लिखी है वैसे बहुत बेसिक सी चीज़ है कि यू प्लस माइनस वी है अब ये यू ही है यू वी एक टर्म है ठीक है यू एक टर्म है और वी एक टर्म है उनका डेरिवेटिव करना है जब वो एडिशन सप्रैक्शन में होते हैं तो सिंपली उनका अलग से डेरिवेटिव कर लो एंड डेट्स इट पर अगर वो मल्टीप्लीकेशन बाई कांस्टेंट है ठीक है और अगर आपको करना है तो फिर सिंपली उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो और उसके डेरिवेटिव से अब इसके बाद आते हैं माई सबसे इंपॉर्टेंट रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल के अंदर सबसे हमारा पहला आता है प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल है क्या देखो मैं इसको थोड़ा सा आसान भाषा में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा रहे क्या यार तुम भी नहीं हो सकता देखो प्रोडक्ट रूल अगर कहीं पे U V लिखा हुआ है और हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे U डैश V प्लस V डैश U ये होता है प्रोडक्ट रूल अब इसके अंदर जो ये है ये है डेरिवेटिव यानी कि सबसे पहले यू का डायरेटिव इन वी एज इट इज प्लस वी का डायरेवेटिव इन यू एज इट इज ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है काफी ज्यादा क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर यही यूज होता है ये और इसका छचरा पाई जो कि है क्वेश्चन रूल अब क्वेश्चन रूल क्या है उसको भी मैं सही से लिख देता हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अलग टाइप से लिखा हुआ है यू बाई वी रूल इसको कहते हैं वैसे ठीक है ये होता है यू डैश वी माइनस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत लोग गलती करते हैं वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर डेट्स इट ये होता है हमारा क्वेश्चन रूल और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले चैप्टर्स जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव एम ओ डी वगैरह वगैरह के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो इसलिए इसको भी गोल के पी जाओ भाई और अब इसके बाद आता है चेन रोल मतलब लोग कहते हैं कि भाई चेन रोल हो भाई पर ऐसा कुछ होता नहीं है चेन रोल के अंदर देखो ये यह तो यहाँ पे सही से लिखा हुआ है चेन रोल के अंदर हम लोग सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं और फिर और अंदर जाते धीरे धीरे हमको एक्स के पास में जाना होता है यानी कि सबसे अंदर वाले टर्म के पास अब यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे हुआ U W X लिखा हुआ था तो सबसे पहले हमने U का डेरिवेटिव किया फिर g डैश का डेरिवेटिव किया और फिर X का डेरिवेटिव किया वो ही चीज़ है मतलब बस इतना याद रखो कि चेन रूल के अंदर अगर कोई दो चीज़ें अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं सॉरी अगर कोई दो फंक्शंस फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उसके अंदर भी फंक्शन है तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को फिर उसके बाद उसके अंदर वाले और फिर उसके बाद उसके अंदर वाले ओके okay, ये चेंज था अब आता है दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है मेथड ऑफ डिफ्रेंसीशन बोर्ड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बोर्ड के लिए तो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा देखो इसके अंदर होता कुछ नहीं आपको बस एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन एक्स थोड़ा ऊपर हो गया टेन एक्स मैं टेन एक्स को एक्स ले रहा हूँ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र एक्स अब इसको क्या करना है पता है ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर इसमें क्या करना है एक्स लेट एक्स बी टेन एक्स और जैसे ही ये डालोगे तो साइन टू एक्स का फार्मूला बन जाएगा एंड दैट्स इट यू हेर सॉल्व द क्वेश्चन तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो मोस्टली और मोस्ट प्रोबेबली पूछी जाती हैं वो बताई हुई हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आती है ये और ये ठीक है ऐसा मत समझना कि बस यही आती है है बहुत आती है और फिर उसके बाद ये वाली जो है भाई साहब ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है और हम लोग हर बार मतलब मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनका यूज कैसे करना है ओके okay, अब आता है लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन से नहीं हो रहा और वो बहुत लंबा जा रहा है तब हम सिंपली दोनों साइड लॉग ले लेते हैं ये आपको कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स में अच्छे से बता देंगे बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है सिंपल से रूल्स होते हैं बस उन्हें फॉलो करो एक स्टेप्स -एक जाओ एंड यू गेट योर आंसर एंड एग्जैक्टली अगर इतमिक डिफ्रेंसीशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है ये बस एक तरीका है ओके बाकी इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा है नहीं एम्पलिटिक डिफ्रेंसीशन देखो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जानो ठीक है इसको जानना इतना ज़रूरी नहीं है बस एक बार पढ़ लेना पैरामेटिक डिफ्रेंसीेशन पैरामेटिक डिफ्रेंसीशन का मतलब है कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं यानी कि अभी तक जब हम लोग डेरिवेशन करते आए हैं वो एक्स के टर्म में करते आए थे यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पर अब ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि डू द डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉज एक्स या फिर विथ रिस्पेक्ट टू कोज एक्स ऐसा तो उसके लिए कुछ नहीं करना पहले क्या करना देखो आ, दो चीज़ें लिखी होगी ठीक है एक कुछ यू लिखा होगा और एक कुछ वी लिखा होगा ठीक है या फिर इसको और अच्छे के लिए मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ कुछ एक्स होगा कुछ वाई होगा अब इस एक्स को इसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा तो क्या करो सबसे पहले डी एक्स बाय डी वाई निकाल लो फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो ठीक है और अब इन दोनों को डिवाइड कर लो जब इन दोनों को डिवाइड कर लोगे ना तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई डैट्स इट और उसी को हम लोग कहते हैं पैरामेटिक डिफ्रेंसीशन कुछ एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको अच्छे से आ जाएगा अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ये वही वही बकवास है डेरिवेटिव ऑफ इन्फाइनइट सीरीज इन्फाइनाइट सीरीज जे मीन्स जे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है इसको भी घोल के पी जाओ ठीक है मैं पी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वहाँ जाओ स्क्रीन लो या फिर कहीं लिख लो ये जितने भी मैंने फॉर्मूलेस बताए हैं और जितने भी गोल के पी जाने के लिए बोला है उन सबको लिटरली गोल के पी जाओ लिटरली नहीं सच में नहीं मजाक कर रहा करो अब आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेट्स इतना ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है बट फिर भी पढ़ने में क्या एतराज है से? अगर कोई डिटमिनेट दिया हुआ है और अगर उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट रो का करो फिर उसके प्लस ऐड करो सेकंड रो के साथ और फिर थर्ड रो के साथ जो कि आपको दिख रहा होगा और इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चली गया होगा तो सॉरी ठीक है अब यह आता है एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल कंटिन्यूटी और लिमिट्स के अंदर यूज़ किया जाता है इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट डायरी कर लेते हैं ताकि हमारे ज़ीरो बाई ज़ीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनीटी फॉर्म्स अच्छे से सॉल्व हो सके अब इसके अंदर कुछ ग्राफ्स दिए हैं साइन कॉस और टेन के वैसे तो ये हर टीचर बनवा देता है पर अगर चाहिए तो इनका यूज़ कर सकते वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई टी एफ के लिए पता नहीं इनको यहाँ पे क्यों दिया पर उससे हमें क्या ओके सो so, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है अब मैं अगर बात करूँ इस पी डी एफ की तो ये इस पी के अंदर जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ना सिर्फ डिफ्रेंसीेशन इसके अंदर कंटिनी भी है पर मैंने वो डाला नहीं ओके सो डिफ्रेंसीशन बस इतना ही है अब बोलोगे कि यार बस लोगों ने तो कितना कुछ करा दिया देखो मैंने सिर्फ थियोटिकल पार्ट करवाया और मैंने इतना पढ़ाया है कि आपका अच्छे से रिविज़न हो सके आपको वो सारी टर्म्स वापस या जा सकें वो सारे के सारे प्रोसेस वापस याद आ सके, सकेट इट और कुछ नया नहीं, नहीं है मैं जानता हूँ कि मेरे से भी बेहतर लोग हैं पर मैं ये नहीं मैं ये भी जानता हूँ कि शायद तरीका कुछ अलग हो सकता है जहाँ बात रही क्वेश्चन की तो वो जाओ और खुद से प्रैक्टिस करो ओके मैं तरीके बता चुका हूँ अब करना आपकी ज़िम्मेदारी है थैंक यू फॉर वॉचिंग बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका नाम लिख दो और यार कमेंट बॉक्स में बकवास करो लोगों के कमेंट बॉक्स में तो सिस्टम वगैरह क्या क्या लिखते हो यहाँ भी लिख दो क्या ही जाता है कि नहीं थैंक यू सो मच